पर जहाँ बिंदी लगाते हैं यहाँ पर साक्षात ईश्वर का दर्शन होता है दिव्य प्रकाश के रूप में। दिस इज नो विजुअलाइजेशन, दिस इज नो इमेजिनेशन, नो मेंटल कॉन्टेम्पलेशन, नो मेंटल कंस्ट्रक्शन, दिस इज नो हेलुसिनेशन, दिस इज डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइट विद इन हियर। ईश्वर के ज्योतिर्मय रोशनी प्रकाश का यहाँ पर साक्षात दर्शन होता है भाइयों बहनों। एक उपनिषद में ऋषि बड़ा स्पष्ट कहते हैं, आप ये श्लोक सुनिए, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं चक्षुर मध्य गत, ये जो चक्षु हैं इनके मध्य, चक्षुर मध्य गत ज्योति स्थलम, एक ज्योति स्थल है यहाँ पर। और ये जो ज्योति स्थल है जहां पर जगमग ज्योतिर्मय प्रकाश हो रहा है ईश्वर का, विलोक्य अंतर्दृष्टया, आप अंतर्दृष्टि से, थर्ड आई से, दिव्य दृष्टि से विलोक्य इसका दर्शन कर सकते हैं, इसका साक्षात अनुभव कर सकते हैं। और इसका दर्शन करने के बाद निरतिशय सुखम प्राप्नोति, कि आपको अवर्णनीय सुख की, आनंद की प्राप्ति होती है। इतना स्पष्ट हमारे उपनिषदों में ऋषियों ने कहा कि ईश्वर देखा जाता है प्रकाश रूप में इस स्थल पर दिव्य दृष्टि के द्वारा। लेकिन फिर भी समाज में हमेशा इस कॉन्सेप्ट को लेकर एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है, एक संशय बना रहता है। एक बार एक विद्वान श्री गुरुदेव आशुतोष महाराज जी के पास आए और उन्होंने महाराज जी के सामने अपना एक संशय रखा। वो कहते हैं कि महाराज जी, आपकी संस्था ये क्लेम करती है कि आप लोग ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के समय ही ये इस स्थल पर ईश्वर का प्रकाश दिखा देते हैं, ईश्वर का साक्षात दर्शन करा देते हैं, लेकिन ये कैसे संभव है? ईश्वर तो निराकार है, परमात्मा तो निराकार है, और निराकार का दर्शन कैसे हो सकता है? तो महाराज जी ने उन विद्वान को बहुत ही शास्त्र सम्मत उत्तर दिया। महाराज जी कहते हैं कि निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं है, और प्रकाश का भी कोई आकार नहीं होता। इसलिए गुरु जब ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं तो वही निराकार सत्ता इस अंतर जगत में प्रकाश रूप में प्रकट होकर दर्शन देती है, साक्षात उपलब्ध होती है प्रकाश रूप में और दर्शन देती है। ये नियम है, आध्यात्मिक नियम है।